जानवी आंटी, क्या हुआ है? अब ठीक है ना? हाँ, कल रात को नींद नहीं आई। घर पे चुड़ैल ने डेरा जमा के रखा है, नींद कहाँ से आएगी? सांझ, थोड़ी चीनी मिल सकती? सांझ, मैं देती हूँ। नमक है इसमें सब। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था कि ये नमक वाला है। दोनों एक जैसे दिख रहे थे ना। I'm so sorry. काश इस बोतल में जहर होता। इस बार नहीं तो अगली बार सही। माँ, माया, मेरी बात सुनो। माया, प्लीज लिसन टू मी। माया, सांझ, थैंक यू सांझ, लेकिन अपनी बेइज्जती सहने नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये नाटक करना जरूरी था? क्या नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, समझी सांझ? माया ने जो कुछ भी हमारे साथ किया ना, मैं नहीं भूल सकती। तुझे नजरअंदाज करना है तू कर, तुझे उसे प्यार करना है तू कर, मुझे नहीं बोल। मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ कब उसे जहर खिलाऊं। सुमन, सुमन केसर कहाँ है? क्यों, तुम्हें केसर की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ सांझ, सांप को दूध पिलाने से ना गाय नहीं बन जाती। वो बाहर बैठ के नाटक कर रही है और तू ऑडियंस में बैठ के सिर्फ तालियां बजा रही है और कुछ नहीं। तू भूल गई उसकी सारी करतूतों को? कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे। पापा, वंदना आंटी, आरोही का जाना, कुछ नहीं भूली हूं मैं। मैं ये सब कुछ बस इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा होने वाला बच्चा माया की कोख में पल रहा है। वो मेरा बच्चा है। मेरे दिल में माया के लिए जितनी भी नफरत है ना, उससे कई ज्यादा प्यार उस बच्चे के लिए। और मैं प्यार को नफरत से हारने नहीं दूंगी। माँ, आप प्लीज दूध देख लो, मैं अर्जुन को देखकर आती हूँ कि वो ऑफिस के लिए रेडी हुआ कि नहीं। और हाँ, मेरे लिए ना सही, उस माया के लिए ना सही, पर प्लीज मेरे बच्चे के लिए आप माया से ठीक से बात करेंगे। जिस सांप ने मेरे परिवार की सारी खुशियों को डसा था, उस सांप को तो प्यार देने के लिए बोल रही है? कमबख्त, मेरी बरा से जो कल मरती है आज मर जाए। माँ, कुछ नहीं होगा माया को, उसके पेट में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है और वो बच्चा मेरी जान। अगर मेरी जान को कुछ हुआ ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी। The choice is yours. Sanj, Sanj, जीना हराम करके रखा इस डायन ने।
जब से घर में आई है ना, कोई ना कोई स्यापा ही पड़ा होता है। अब क्या कर दिया है? जिस दिन से डायन के पैर पड़े ना मेरे घर में, कोई ना कोई क्लेश ही रहता है। बोलो तेरा दिमाग कहाँ रहता है? क्या कर दिया तूने? पर मैंने कुछ नहीं किया मैम। तूने नहीं किया तो क्या बाहर से कोई भूत आके करके गया? हाँ मैं तो बाहर था। बस तू बाहर ही रहना, अंदर काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। आगे इस घर में कम प्रॉब्लम्स हैं जो तूने एक और प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब जल्दी साफ करो इसे। इस घर में तो सबको बस अपनी करनी है, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है। बोला तू भी अपनी कर। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और ऊपर से फिर भी नहीं मान रहा। ये जल्दी से साफ कर। रिलैक्स, इसने जो भी किया गलती से हुआ होगा ना, जानबूझ के तो ये करेगा नहीं। बोला तू माँ की बातों का बुरा मत मान। माँ ये एक वास है जो गलती से टूटा है, किसी की जान नहीं गई है। और किसी और का गुस्सा ना किसी और पे नहीं निकालते। वैसे दूध का ग्लास कहाँ पर रखा है? मुझे माया को देना है। मेरी बात मान, दो चार बूंदे ना जहर की भी डाल दे, जरा स्यापा ही खत्म हो जाना है। हो गया? बोला जरा जल्दी करेगा कि बस ये शक्ल ही देखता रहेगा, बस हर जाना यहाँ पे नवाब ही बना हुआ है। ये सब आपने किया है ना? What nonsense? नहीं अर्जुन, इन्होंने कहा भी था कि ये मेरे खाने में जहर मिला देंगे। सांझ तुमने सुना था ना? माया सांझ से क्या पूछती हो? हाँ मैंने कहा था तुम्हें मैं जहर खिलाऊंगी, पर मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी शराफत हमारे हाथ बांध देती है और तुम्हारा पागलपन तुम्हें कुछ भी करने की पूरी छूट दे देता है। ये सब कुछ तूने किया है ना ताकि इन सबका इल्जाम मुझ पे लगा सके? नहीं माया, इस घर में ऐसा कोई भी कुछ नहीं करेगा जिसे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तो फिर दूध में जहर किसने डाला सांझ? दूध किसने बनाया? तुम जानती हो ये किसका काम है सांझ, पर ऑब्वियसली तुम अपनी माँ को बचाओगी। पर मुझे सच पता है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सांझ के सर की कसम खाए। आपके हाथों से स्मेल कैसी आ रही? तुम्हारे गंदे दिमाग की ये स्मेल है, और मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं भी यहाँ पर आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी। यही स्मेल इस दूध से आ रही है जो सुमन आंटी के हाथों से आई। तुम्हें सबूत चाहिए ना सांझ, तो फिर पहले इसे स्मेल करो और फिर अपने माँ के हाथ सूंघो। कम ऑन। ये तो मच्छर मारने वाली दवाई की स्मेल है जो आपके हाथ से और इस दूध से भी आ रही है, जो किचन में थी शेल्फ के ऊपर। और दूध किसने बनाया था सांझ? मैंने बनाया था, मैं थी किचन में। बात यह है कि तुझे कैसे पता? किचन में सिर्फ मैं और सांझ थे। तू क्या दीवार के साथ चिपकली की तरह चिपक के देख रही थी? माया यहाँ पे ना ये तेरे नाटक में कोई फंसने वाला नहीं है। हो सकता है तूने कोई मौका देखा और ये जहर तुमने खुद ही मिलाया हो। तुम्हारी पुरानी आदत है ना अपने आप को सफेद दिखाने के लिए किसी को भी काला कर देती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।